नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी पार्ट फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। जो कल हमने राइस को पढ़ाया था, आज पॉलीस्टीरियम पढ़ाएंगे। तो इसकी कोई सर्वप्रथम किसने की? डच वैज्ञानिक ने। इसकी कोई सर्वप्रथम जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे उन्हें उन्होंने इसकी सर्वप्रथम पॉलीस्टर का प्रयोग किया। सर्वप्रथम इसकी कोई सर्वप्रथम कौन है? डच वैज्ञानिक। डच वैज्ञानिक को हमने सर्वप्रथम पॉलीस्टर को का प्रयोग किया था। इसके अंतर्गत तथा माइक्रोऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीवों का के संबंध को अभिव्यक्त किया। पत्तियों की एक एरिया तथा मॉर्फोलॉजी तथा मॉर्फोलॉजी का पॉलीस्टीयर में माइक्रोऑर्गेनिज्म की संख्या पॉपुलेशन
को प्रभावित करता है। डच वैज्ञानिक था माइकल बायलेस, उन्हें हमने सर्वप्रथम बताया था पॉलिश होने का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत कार्य करते तथा माइक्रोऑर्गेनिज्म के संबंध को अभिव्यक्त करता है। पत्तियों की जो एज है, उसका एरिया है, उसके आकार की है, उसके संबंध में पॉलिश होने को माइक्रोऑर्गेनिज्म की संख्या को प्रभावित करता है। प्रभावित करता है इसमें जो हानिकारक सूक्ष्मजीव होती है वो क्या है, पलक भी नहीं देता पत्तियों का, इसलिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। फसलों की ग्रोथ सीजन पॉलिस्फीयर के अंतर्गत माइक्रोपोरास माइक्रोपोरा को प्रभावित करता है। फसलों की ग्रोथ सीजन में भी पॉलिस्टर के अंतर्गत माइक्रोफ्लोरा का ही प्रभाव करता है, क्योंकि इसमें जो मृदा जो भी टेम्परेचर होता है, ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर आदि के अंतर्गत वातावरण प्रभाव करता है। जो पत्तियों को धूप वगैरह क्या ये सबको प्रभावित करता है।
पॉलिस्टर में पाए जाने वाले प्रमुख बैक्टीरिया है। इसमें आपको कई सारे बैक्टीरिया है जो पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों करते हैं, जिससे क्या पत्तियों सतह पर जो भी हानिकारक
तो क्या ये पड़ने नहीं देते, नियंत्रित करने में करते हैं। नंबर दो, पत्तियों की सतह पर पाए जाने वाले फंगस, फंगस स्पोर्स स्पोर्स टैक्टोडेक्सन प्लान के डिफेंस में मैकेनिज्म में सहायता करता है। मैकेनिज्म में सहायता करता है जो मैकेनिज्म ये सहायता करता है। कौन से जी टेलीस्कोप पॉलिस्कोर होते हैं मैकेनिज्म का क्या सहायता करता है, अगर स्कोर का जो है उसको डिफेंस करता है, पर हमने नहीं देता है पत्तियों की सतह पर जो अंधकार वगैरह फैलाए। बैक्टीरिया बैक्टीरिया पत्तियों को विशेष कलर विशेष कलर या रंग प्रदान करता है। जो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया होते हैं पत्तियों को विशेष कलर या रंग प्रदान करते हैं जो कि सोलर रेडिएशन की जो कि सोलर रेडिएशन
विज्ञानता इसमें सहायता करता है सोलर रेडिएशन में, इससे क्या पत्तियों का कलर क्या है प्रदान करता है। जो भी ये नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह है क्या करता है, जो लाइन बिना की सेजिंग का भी पत्तियों में सहायक होता है। अगला पॉइंट है जो पॉलिस्टर होता है फिक्सेशन, ये एजोला एलानिना सेज सेजिंका भी पत्तियों को पत्तियों में सहायक होते हैं। ये अगर रोल ऑफ माइक्रो टू पॉलिश किया है तो ये इसके कार्य हो गए। आज हमने पढ़ा जो था पॉलिश किया है, कल जो मैं क्लास में हमने पढ़ा था पिछली क्लास में वो राजेश किया था। पॉलिश किया की खोज किसने की, माइक्रो बायोलॉजिस्ट का नस्लियन सॉरी डच वैज्ञानिक का हमें सर्वप्रथम इसको पॉलिश किया किया। इसके अंदर प्लांट और बैक्टीरिया तथा माइक्रो ऑर्गेनिज्म का संबंध को विचार किया जाता है या अध्ययन किया जाता है। इसमें पत्तियों की एज, एरिया, मॉर्फोलॉजी यानी आकार की, पॉलिस्फीयर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या को बताइए पढ़ाया था। फिर मैंने पढ़ाया था इसमें पाए जाने वाले ग्रुप कैसे होती है, माइक्रो फ्लोरा किस प्रभावित करता है इसके अंतर्गत, क्योंकि यह टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर मॉइस्चर आदि वातावरणीय कारकों से संबंधित होता है, इसलिए प्रभावित करता है माइक्रो फ्लोरा को। इसमें पाए जाने वाले प्रमुख बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था, बीजेरिम का, एजेक्टोबैक्टर, सुडोमोनास इसके बारे में पढ़ाते उन्होंने पढ़े थे। आज रोल ऑफ माइक्रोवेव इन पॉलिस्फीयर, पत्तियों के सतह पर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों को यानी जो हानिकारक जीव रहते हैं पत्तियों पर उनको क्या है नियंत्रित करते हैं और पॉलिस्फीयर। नंबर दो, पत्तियों के सतह पर पाए जाने वाले फंगस, स्पोरम, फाइटोपैक्टेरियम्स और प्लांट को क्या डिफेंस करने में मैकेनिज्म में सहायता करते हैं कौन, पॉलिस्फीयर। एपिडिक बैक्टीरिया, एपिफाइटिक बैक्टीरिया होते हैं जो क्या विशेष रंग या कलर पत्तियों को प्रदान करते हैं, ये सूर्य की ऊर्जा में या रेडिएशन में ग्रहण करने में सहायता करते हैं। लाइट में बढ़ाया फिक्सेशन के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एजोला वगैरह होते हैं ना,
वो एनोमिना सा है जिन पत्तियों में क्या है प्राकृतिक सिस्टम। आज की जो क्लास थी अपनी वो यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में हम इससे नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे। अगली क्लास में पढ़ेंगे बायोपेस्टिसाइड। अगली क्लास में पढ़ना हमको बायोपेस्टिसाइड के बारे में। बायोपेस्टिसाइड जो है माइक्रो फार्मेसी में कल पढ़ाएंगे।